Hello dear friends, today we are going to start class 9th NCERT chapter number 1, number systems. So through the Krishna Coaching Center. So through start the exercise 1.1, question number 1, exercise 1.1, here 1, 2, 3, 4, there are the 4 questions. In this lecture we will cover the 4 questions. Question number 1, is 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So, is 0 a rational number? क्या 0 एक rational number है? तो क्या answer होगा बेटा इसका? Yes. Question number 1, answer क्या होगा बेटा? Yes. क्यों yes होगा बच्चा? क्योंकि देखो, can you write in the form P upon Q? Of course, 0, ये है 0. इसे हमें किस form में लिखना है? इसको हमें लिखना है form में P upon Q के. और p एक इंटीजर होना चाहिए और q एक इंटीजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो p देखो 0 एक इंटीजर है और इसके नीचे 1 राइट कर सकते हैं. तो 0 अपॉन 1 क्या बन गया बेटा? एक रेशनल नंबर बन गया. और q इज नॉट इक्वल टू 0, और देखो यहाँ पे q है क्योंकि वैल्यू क्या है 1 और ये 0 नहीं है. तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे हम 0 अपॉन 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसमें हम बेटा एक चीज़ बेसिक मैं आपको समझा दूँ, 0 अपॉन 0 नहीं लिख सकते, 1 अपॉन 0 नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि मैथ के अंदर ये क्या है? नॉट डिफाइंड. क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड. दोनों ही क्या है? नॉट डिफाइंड. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 6. इसे करने के तरीके बेटा 3 से 4 तरीके होते हैं इस क्वेश्चंस को करने के लिए. मैं सबको इस सबसे ईजीएस्ट वे आपको बता रही हूँ. एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे ये बेटा 3 एंड 4 हैं तो इन दोनों बीच नंबर्स के बीच में इन्फिनेटिव नंबर्स हैं. जैसे देखो 3.1 इनके बीच में होगा, 3.2, 3.001, 3.002, इस तरीके से इन्फिनेटिवस हैं. तो इसके 3 या 4 मैथड्स होते हैं. मैं ईजीएस्ट मैथड ले रही हूँ इसलिए जब इनके बीच में इन्फिनेटिव नंबर्स हैं तो अगर आप मैथड चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो सकता है. तो मैं सबसे आसान वे आपको समझाती हूँ. कितने नंबर्स निकालने हैं हमें? 6. तो हम n इक्वल्स टू जितने नंबर निकालने हैं उतना ले लेते हैं और इसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं. तो ये क्या हो जाता है? 6 प्लस 1 7. अब ये जो 7 है इसको रेशनल फॉर्म में लिखेंगे बेटा. 3 अपॉन इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे 1. जो नंबर आया उससे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 7, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 4 इंटू 7 1 इंटू 7. 3 7 जा 21 7, 7 4 जा 28 और 7. अब आप खुद ही देखिए 21 और 7, और यहाँ मैंने लिखा है 28 और 7. इनके बीच में कितने नंबर हैं बेटा? 22 इन्हीं के बीच में होगा, 23 इन्हीं के बीच में होगा, 24 25 26 और 27. तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स फाइंड आउट करने थे हमें. आंसर इज द 6. अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. क्वेश्चन नंबर है बेटा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. हम डिनोमिनेटर चेंज चेक करते हैं, दीज आर सेम्स. तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे. ये है 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5. आपके n इक्वल्स टू कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5. क्या ऐड कर देंगे? 1 अपने पास से. ये हो गया 6. अब नॉमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई. इसी तरीके से यहाँ पर और इसी तरीके से यहाँ पर. ठीक है बेटा. अब 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30. तो नंबर बेटा 18 और 30 के बीच में कितने आ गया? और इधर क्या है आपका, थोड़ा ऊपर कर लो, 24 अपॉन 30. तो इनके बीच में फर्क देखो, 19 इनके बीच में होगा, 20 इनके बीच में होगा, 21 होगा, 22 होगा और 23. डिनोमिनेटर सबके सेम है, 30 30 30 और 30.
ठीक है, तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और मैं पेज चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर बताइए, स्टेट मतलब बताइए, वेदर की द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, जो आपका आंसर है उसके लिए रीजन भी दीजिए। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपके पास भी अपनी बुक होनी चाहिए, वहाँ पे भी आप रीड करें। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें बेटा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 डेस्ट डेस्ट डेस्ट, और उसने पूछा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, अगर 0 इंक्लूडेड कर दें नेचुरल नंबर के अंदर और इन्फिनेटिव तक, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। अब उसने कहा एवरी, एवरी ऑल, सारे होल नंबर से अफकोर्स 1, 2, 3 और सारे आगे 1, 2, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। ये था पार्ट 1। नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 में आप रीड करिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इंटीजर सबको पता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 0 बेटा, +-1, +-2, +-3 और +-4 डैश 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 इन्फिनेटिव तक, होल नंबर्स आपको पता है। उसने कहा एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं सारे इंटीजर्स होल नंबर से, देखो -1 तो यहाँ पर है लेकिन -1 यहाँ नहीं है, तो हम कह देंगे नो। ठीक है, बिकॉज रीज़न दे देंगे, -1 इज नॉट होल नंबर, ये एक होल नंबर बेटा नहीं है। थर्ड है, रीड करिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, अब देखो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं बेटा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम 1/2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0.05। इट इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। सो आंसर इज नो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और एक्सरसाइज 1.2 विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।